फुलवारी के मर्डर मोड़ इलाके में गत 7 जुलाई को एक युवक का गला काटकर धारदार हथियार से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस ने आखिरकार मुख्य आरोपी को चोपड़ा के दासपाड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाना अंतर्गत दासपाड़ा से 26 वर्षीय सिद्दीकी अली को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में आज डीसीपी ईस्ट जय टूडू ने एनजीपी थाने में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हत्या के पीछे लेन देन का मामला हो सकता है। इसके साथ ही इस घटना में 2 और लोगों के शामिल होने की आशंका है। अरेस्ट करा चे एक जन के पावा गए चे उन्हा के दासपाड़ा माने चोपड़ा पीएसए साज्य दासपाड़ा उपकीते इंचार्ज के साज्य कुले साज्य नियम आमला एक जन के अरेस्ट करे चे तो आज के ओके तोला हो गया अदालते उन कस्ते के एक टा मोबाइल फोन एक टा सर्जिकल ब्लेड আর একটা মোটরসাইকেল যে মোটরসাইকেল করে এসেছিল সেদিন ক্রাইম করতে সেটা রিকভারি করা হয়েছে এবং আমরা একটা ব্রেক থ্রু পেয়েছি। ইন্টারোগেশন চলছে, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। খুব শীঘ্রই যে মেন অ্যাকিউজ আছে তাকে আমরা অ্যারেস্ট করব। এই ছেলেটাকে আমরা 14 দিনের পুলিশ রিমান্ডের জন্য প্রেয়ার করছি আর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। মোটিভ এটা টাকা পয়সার ব্যাপার ছিল। আসল আসামিকে আমরা ধরতে পারলে আরও বিস্তারিত জানতে পারব। আমাদের সন্দেহ 2 থেকে 3 হতে পারে। गौरतलब है कि 7 जुलाई की रात फुलबारी के मर्डर मोड़ पर चोपड़ा निवासी सद्दाम हुसैन की धारदार हथियार से गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जानकारी के अनुसार सद्दाम हुसैन फुलबारी के बांग्लादेश में पत्थरों का निर्यात करता था। कारोबार के सिलसिले में वो जोटियाकाली में एक मकान किराए पर लेकर रह रहा था। इधर हत्या के बाद जांच में जुटी एनजीपी थाने की सादे पोशाक की पुलिस ने चोपड़ा पुलिस के सहयोग से सिद्दीकी अली को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए सर्जिकल ब्लेड, बाइक और मोबाइल फोन भी जब्त किया है।